तेज़ बारिश के कारण दिल्ली के आसपास के गाज़ियाबाद वगैरह वाले इलाके और वो देहरादून वाले एरियाज़ में मैंने सुना है आज काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, पानी भर रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं जहाँ तक दिल्ली की बात है यहाँ तो मौसम अच्छा है ही, बट इतनी बारिश नहीं है, तो प्लेजेंट वेदर हो रहा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है बट अच्छा वेदर है, हम ड्राइव पे और राइड पे जा सकते हैं। आज के दिन की बात ही कुछ और है। आज 100 साल के बाद पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा लूनर एक्लिप्स होने वाला है, चंद्र ग्रहण। अब इसको चंद्र ग्रहण बोलो, लूनर एक्लिप्स बोलो, रेड मून बोलो यानी ब्लड मून, लाल रंग का चांद, कुछ भी बोलो, बहुत अमेजिंग होगा। सबसे लंबी ड्यूरेशन के लिए होने वाला है आज ये। हाँ मम्मा देखो टीवी पर हूँ, News24 आज तक, जल्दी देखो। देश में जो मना करता है वही होता है। चलिए हम भी चलते हैं। नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, चलो भाई वापस चलो। बहुत देख ली घास, मून मार्स कुछ नहीं दिखा आज, बस थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे फिर हम चलते हैं घर, कुछ दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो ठीक है। ओके अभी देख, मौसम का हाल है बुरा, इस कारण हम कुछ देख नहीं पाए दिल्ली से।
फ्रेंड्स आइसक्रीम खा लो। हेलो फ्रेंड्स आइसक्रीम खा लो। कसाटा कसाटा कसाटा। जब चांद ना दिखे तो क्या किया जाए। तो हम फाइनली आ गए अब इंडिया गेट। रात के बज रहे हैं 3:30, सुबह के बज रहे हैं 3:30 इनफैक्ट। और यहाँ क्राउड बहुत है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, चाय वाले, आइसक्रीम वाले, फायर पान वाले सब यहाँ पे। मतलब एक से एक चीज़ आपको इस टाइम पे मिलेगी इंडिया गेट पे। पुलिस की भी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, हर टाइप के लोग यहाँ आ रहे हैं। करने को कुछ है नहीं तो हमने सोचा यहाँ बैठ के वीडियो एडिट कर ली जाए। ये क्या हो रहा है? ओह, यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अगर तेज होती है तो हम घर निकलते हैं, नहीं होती तो हम यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करते हैं। चलिए क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो चुके हैं। 5:30 निकल गया आज का दिन पूरा। एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्या रह गई। अब वेदर कंडीशंस ऐसी निकलेगी और इम्प्रूव नहीं करेगी ऐसा जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन वाले जितने भी लोग थे उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा होगा। तो कुछ भी दिल्ली से, अब दिल्ली में मैं एग्जैक्टली पूरे दिल्ली के बारे में नहीं कह सकता, बट दिल्ली में जिस पार्ट में मैं था, जहाँ पे नेहरू प्लैनेटेरियम है 3 मूर्ति मार्ग में, वहाँ से तो हमें कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। हमें कुछ दिखा नहीं तो क्या हुआ? नासा और ऐसे कई सारे सोर्सेज ने लाइव स्ट्रीमिंग करी है और अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पर शेयर करी है, आप जाकर देख सकते हो। मैं एंड में एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखा दूंगा, एक सीन आपको दिखा दूंगा कैसा रहा एक ये ब्लड मून। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने सोचे थे आप लोगों से शेयर करूंगा वो मैं बता देता हूँ। तो वो कुछ ऐसे थे, 1:00 पे लूनर एक्लिप्स टोटैलिटी पे आने वाला था, यानी जब स्ट्रेट लाइन में होता है सन अर्थ और मून, जब वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसको टोटैलिटी बोलते हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम शेडो अर्थ की पड़ रही होती है मून के ऊपर। इस टाइम, ये टाइम पीरियड पिछले 100 साल में, फुल सेंचुरी में सबसे लंबा रहा है इस टाइम पे 1 hour 43 minutes के लिए। अब मून जो होता है वो रेड क्यों होता है? सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है, मान लो कि ये सन है ये अर्थ है, सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है तो पीछे मून है, अर्थ की शैडो उस पे आ रही है। अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो ब्लैक मून होता जो हमें दिखता नहीं, इनविजिबल होता। बट जो कि अर्थ की मून, अर्थ की पूरी एटमॉस्फेयर है अर्थ के अराउंड पूरा जो उसको कवर करता है, तो जब सन की रेज उस एटमॉस्फेयर पे पड़ती है तो वो लाइट स्कैटर होती है। सन की रेज डायरेक्ट निकल जाती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो स्कैटर होती है रिफ्रैक्शन से। जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है और वो बेंड होके मून के ऊपर दोनों साइड से, सब साइड से फोकस होती है। तो वो रेड लाइट की वजह से मून दिखता है हमको रेडिश कलर का। अब एटमॉस्फेयर जितना क्लियर होगा उतना ही वो रेड कलर ब्राइट होगा। एटमॉस्फेयर जैसे आज इतना अच्छा नहीं था दिल्ली में तो वो हमें दिखाई नहीं। नासा के अकॉर्डिंग इस 21st century में 230 लूनर एक्लिप्सेस होंगे, उनमें से 85 टोटल लूनर एक्लिप्सेस होंगे जस्ट लाइक दिस वन। अब कुछ एरियाज ऐसे भी है जैसे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ग्रीनलैंड, नॉर्थन अमेरिका, जो कभी भी इनको रियल लाइफ में विटनेस नहीं कर पाएंगे। बट हम में से जो लोग कर सकते हैं विटनेस और इस बार नहीं कर पाए, जैसे मैं नहीं कर पाया, वो लोग घबराइए मत,
नेक्स्ट लूनर इक्लिप्स आ रहा है 21 जनवरी 2019 को। अब बात की जाए मार्स की अगर, तो मार्स में भी एक स्पेशलिटी थी इस बार। पिछले 15 साल के बाद मार्स क्लोजेस्ट था अर्थ से, 35.9 मिलियन माइल्स अवे, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, बट उसकी ऑर्बिटिंग में अर्थ से जो डिस्टेंस है इस बार बहुत क्लोज था इसका, बहुत क्लोज। तो वो बहुत ही ब्राइट रेड कलर का दिखने वाला था। मून से छोटा दिखता, मून बड़ा दिखता, बट उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता। मैंने अभी तक देखे नहीं है कोई भी पोस्ट वीडियोस, तो मैं कह नहीं सकता कि कैसा मून रहा या मार्स की विजिबिलिटी थी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता है। बट मैं जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ अभी मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो सब चेक करता हूँ, और आपसे भी आई होप सो मैं कुछ वीडियो शेयर करूँ। सुबह सुबह 5:30-6 बजे की मैगी, आहा आहा आहा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लूना इक्लिप्स के बारे में, जो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस को तो आप जानते ही होंगे, उनके 4th वॉयज के टाइम पे उनकी शिप्स जमैका के आसपास एक स्टॉर्म में फंस गई थी। तो उन्होंने सहारा लिया वहाँ के लोकल इनहैबिटेंट्स का, जिन्होंने उनको फूड दिया, शेल्टर दिया और सारी उनकी ज़रूरतें पूरी करी। बट एक टाइम ऐसा आया कि उनके रिलेशनशिप में अनबन होने लग गई और वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करना उन्होंने सबने बंद कर दिया। अब कोलंबस को और उसकी टीम को बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे इन सब चीज़ों की, तो कोलंबस ने अपना दिमाग लगाया और जस्ट नेक्स्ट आने वाले लूनर एक्लिप्स को, जो आने ही वाला था, उसकी प्रिडिक्शन लगाकर एक स्टोरी बनाई और वहाँ के लोकल लोगों को ये सुनाई कि मेरा भगवान तुम्हारे इस एक्शन से बहुत दुखी है और वो बहुत गुस्सा हो चुका है और वो तुम पे अपना गुस्सा दिखाने वाला है। वो तुम्हारा अगले दिन के चांद को पूरा लाल कर देगा अपने गुस्से से। और नेक्स्ट डे जब अब उस चांद को लाल देखा वहाँ सब लोगों ने, वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने, वो घबरा गए, उन्होंने सारी जो उनकी नेसेसिटीज़, नीड्स, सुविधाएँ थी खाने पीने रहने की, सब पूरी करी उनके पूरी टीम की कोलंबस के। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे लगा, मुझे पता है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सुबह के 9 बज गए हैं और इस ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। नासा ने जो साइन न्यूज़ चैनल पर अपडेट डाला है वो तो देखते जाइए, कैसा रहा आखिरकार ये एक्लिप्स, देखिए। और मस्त रहिए, मज़े में रहिए, अपनी लाइफ जीत रहिए।